पुराने पाक में अल्लाह इशाद फरमाते हैं कि ला इन शक्कर तुम ला अज़ीत तुम अल्लाह की नमतों का शुक्र अदा करो उन नमतों को बढ़ा देंगे इस ज़माने में या पहले ज़माने में तो जाहिर हम थे नहीं इस ज़माने में जहाँ जब हम इस वक्त हैं यहाँ पे, मैं ख़ुद जो देखता हूँ अपनी तरफ़ से जो देख रहा हूँ आप लोग भी वो देख रहे हैं कि इस वक्त में मेरे ख्याल के मुताबिक दुनिया की सबसे बड़ी नेमत का नाम दीन है जिसको अल्लाह तबारक वाली ने दीन की नेमत अता फरमा दी है या दीन पे थोड़ा बहुत भी चलना नसीब फरमा दिया है मेरा ख़्याल है कि इससे ज़्यादा खुश नसीब आदमी कोई नहीं क्योंकि मेरे दोस्तों मेरी बहनों की ज़िंदगी बड़ी मुख्तर है कोई लंबा चौड़ा चक्कर है नहीं ये लगता है ऐसे ही है कि जैसे बाद में छोटा होता है तो लगता है ऐसे ही है पता नहीं ऐसे ही रहने में मैंने हमेशा उस उस ख्याल आता पंद्रह बीस साल में पच्चीस साल में जब एज होती तो लगता है कि ऐसे ही है मैं मैं ऐसे ही हूँ लेकिन जो ही वो पैंतीस चालीस साल का होता है तो उसके बाद फिर लगता है कि दिन पकड़ में ही नहीं आ रहे सुबह होती है शाम हो जाती है सुबह होती है शाम हो घर से निकलते हैं शाम को वापस घर से एकदम स्पीड तेज़ हो गई तो क्या होता है वो होता असल में ये है कि जब चढ़ाई होती है ना तो चढ़ाई आदमी बड़ा स्लो स्लो चढ़ता है लेकिन जब उतराई होती है तो फटाफट ही भागना शुरू हो जाता है ये इसी तरह ही है कि जब मुझे याद है मैं पंद्रह चौदह पंद्रह साल का था तो दिन गुजरते ही नहीं मैं थे कहते यार दिन बड़े लंबे हैं गुज़रते ही नहीं फिर जब चालीस साल क्रॉस करके तो ये लगता है दिन काबू ही नहीं आ रहे फटाफट ही गुजरी जा रहे हैं क्योंकि वो चालीस साल तक ऑलमोस्ट करीबन करीबन चालीस साल तक चढ़ाई होती है चालीस साल के बाद फिर उतराई शुरू होती है तो फटाफट ही फटाफटी फटाफट ही फटा फटा एकदम तेज़ हो जाता काम तो एक सेकेंड में गुजर जाने ये सब कुछ अभी मैं अभी यहाँ आ रहा था तो रास्ते में किसी का मैसेज आया <coughs> पहले मैं एक शादी में बैठा था शादी पे गया था। तो प्यार कोई शादी में गया तो शादी पे ही मैसेज आया कि अमजद साहब इंतकाल कर गए उनका जनाजा ईशा के बाद है तो मैंने उनको कहा जो लोग बैठे थे मैं कहा यहाँ पर शादी है ये इंतकाल की खबर आ गई है चंद दिन पहले मैं अमजद साहब के घर में जमात में गया था उनके घर जमात लेके गया था तो आज उनके ऊपर चला के जी वो चले गए जिसने चले जाना है ना जिस दिन चले जाना है उससे उस दिन पूछे कि भाईजन कितना रहे दुनिया में अभी भी जो हम में लोग बैठे हैं जो साठ सत्तर साल वाले हैं वो पीछे मुड़ के देखें तो कैसा लगता है, है? ख़त्म एकदम ख़त्म हो रहा है एकदम ख़त्म हो रहा है तो ये है कुछ भी नहीं ऐसे थोड़े दिन की बात है यहाँ के मज़े भी आर्जी यहाँ की परेशानियाँ भी आर्जी वो जो अल्लाह भला करे मुझे एक पठान ने एक बात कही थी मैं तो वो बात ज़िंदगी में ना कभी भूल सकता हूँ बल्कि जिस जिसने वो सुनी है वो नहीं भूलता उस बात को मेरी वो एक ही जैसे होता है ना वो <laughs> वो कहते हैं जी आज वो लड़की ने डांस किया है तो डांस से उसका डांस वायरल हो गया वो मशहूर हो गई वो डांस से मशहूर हो गई किसी ने कहा कि जी वो किसी ने एक कहा था कि वो ये हमारी गाड़ी है ये हम हैं तो वो लड़की उससे मशहूर हो गई मशहूर हो गई तो वो भी मशहूर हो गई तो मैंने एक बात कही थी अल्लाह ने वो बात मेरी शनाख्त बना दी वो क्या वो पठान की एक बात थी यानी मेरे जित जितना मैं मशहूर हूँ जिस लेवल का जितना मैं मशहूर हूँ उतनी मशहूरी मेरी उस बात से बनी कि क्या वो पठान की बात थी पठान ने मुझे कहा था कि बाबू थोड़े से मज़े के लिए गुनाह ना करना क्योंकि मज़ा ख़त्म हो जाएगा गुनाह बाकी रह जाएगा मज़ा कितना कर लोगे घंटा दो घंटे चार घंटे रात क्या करोगे लेकिन वो तो ख़त्म हो जाएगा लेकिन फिर वो जो गुनाह है वो तेरे साथ चलेगा वो कब्र में तेरे साथ खड़ा होगा हशर में तेरे साथ खड़ा होगा जहन्नुम में दाखिल करा के आएगा तो मैंने उसे कहा मैंने कहा दूसरी बात बताओ उसने कहा दूसरी बात यह है कि कभी थोड़ी सी मुशक्त के खौफ से नेक अमल ना छोड़ना क्योंकि तो मशक्क़्त ख़त्म हो जाएगी अमल बाकी रह जाएगा एक आदमी ने मुझे कहा उसने कहा वाट साहब जब से आपकी मैंने ये बात सुनी है ना मैंने कहा मैं मेडिकल का प्रोफेसर हूँ जब से मैंने ये बात सुनी है कि थोड़ी सी मुशक्त के खौफ से अमल न छोड़ना मुशक्त ख़त्म हो जाएगी अमल तेरे साथ चलेगा कब्र में खड़ा होगा हशर में खड़ा होगा जन्नत में दाखिल करा के आएगा मगर जिस दिन से मैंने ये बात सुनी है ना उस दिन से रात को कभी तहज्द में उठने को दिल ना चाहे ना तो ऐसे लगता है जैसे कान में तेरी आवाज़ गूंज रही है कि थोड़ी सी मुशक्त के खौफ से अमल ना छोड़ना तो फिर उठ के बैठ जाते उठ के बैठ जाते हैं तो अब मेरी मेरी ये बात और किसी की क्या बात ये नसीबों की बात है ये बड़े कर्म के हैं फैसले ये बड़े नसीब की बात है किसी की वजह शोहरत अल्लाह का नाम बन जाए किसी की वजह शोहरत नाच बन जाए ये अल्लाह का फजल है इस पे हो जाए क्योंकि ये दुनिया ऐसी अजीब चीज़ है मैं मैंने कभी मेरे मैंने कभी गौर नहीं किया था कि ये कि कुरान की एक आयत मेरे सामने से गुजरी तो मैंने पहली दफ़ा उसको सोचा जिसमें अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ए मेरे नबी इसका मफहूम बता रहा हूँ ए मेरे नबी आप इनको बता दें इनको आप बता दें कि आपके पास कोई मेरे खजानों की चाबियाँ नहीं हैं कोई मेरे आप पार्टनर नहीं हैं और ना ही आपको गैब का इल्म है कुरान की आयत है सरा इनाम की आयत है ना ही आप बता दें ना ही आपको गैब का इल्म है और ना ही आप कोई फरिश्ते हैं वो तो जो आप पे वही की जाती है वही आप आगे बताते हैं वरना आपके हाथ में कुछ नहीं है <laughs> मैंने मैंने कहा यहाँ अल्लाह अपने हबीब से कह रहे हैं कि आपके हाथ में कुछ नहीं है तो बाकी किसी के हाथ में क्या होगा क्योंकि अल्लाह के नबी ने उनको पंजाबी कहते हैं मुकदी मुकादी उन्होंने मुकदी मुका दी थी क्या मुकदी मुका दी थी आपने फरमाया था कि इसका है कि जन्नत में अल्लाह के फजल के बग़ैर कोई नहीं जाएगा जो भी जन्नत में जाएगा अल्लाह के फजल से ही जाएगा बस तो अल्लाह भला करे उन लोगों का जो पास बैठते थे वो भी क्या लोग थे जिनका नाम सहाबा है वो क्या लोग थे उन्होंने भी हर वो बात पूछ ली जो हमारे दिल में या हमारे जेहन में आ सकती थी तो एक सभी ने पूछ लिया यार सलाह तो आप बाकी सब तो अल्लाह के फजल से जन्नत में जाएंगे तो आप आप भी तो आपने फरमाया मैं भी मैं भी अल्लाह के फजल से जाऊंगा बाकी कोई चक्कर नहीं है अल्लाह क्या ज़ात होगी अल्लाह क्या ताकत होगी अल्लाह जिसने सारी मखलूक को बनाया वो क्या होगा जिस कभी अल्लाह इसलिए हदीस में आता है ना कि अल्लाह पे गौर ना किया करो अल्लाह की मखलूक में गौर किया करो कि अल्लाह ने क्या बनाया है अभी मैं कल सोच रहा था मैंने कहा ये सूरज इस जमीन से कहते हैं साइंसदान कि तेरह लाख गुना बड़ा है अप्रोक्सीमेटली तो पक्की बात नहीं है लेकिन इसके करीब कहते बड़ा है तेरह लाख गुना बड़ा और उससे आगे जो स्यारे हैं वो सूरज से अरबों गुना बड़े हैं एक दो चार हजार नहीं लाख नहीं अरबों गुना बड़े स्यारे हैं जो फजा में हैं और वो सारे के सारे अल्लाह के हुक्म से चल रहे हैं जिस तरह अल्लाह ने उनको बनाया वैसे हुक्म दिया वैसे चल रहे हैं। कोई इधर उधर नहीं हो सकता और वो जो स्यारे हैं जो सूरज से खरबों गुना बड़े हैं अरबों गुना बड़े हैं वो अरबों हैं एक दो नहीं है वो भी अरबों हैं तो वो क्या होगा अल्लाह अल्लाह क्या होगा जब अल्लाह ने अपने मूसा की बात बताई थी ना तो मूसा ने कहा अल्लाह ये इतना बड़ा सिस्टम इतना बड़ा सिस्टम जो चल रहा है ये आगे पीछे नहीं होता कोई टकराती नहीं बात आपस में चांद सूरज से टकरा जाए सूरज जमीन से टकरा जाए तो अगर ये आपकी बात सुनना छोड़ दे टकरा जाए तो क्या होगा तो अल्लाह पाक ने कहा नहीं ऐसा नहीं होता है मेरी बात नहीं है मैं को प्राइम मिनिस्टर छोड़ी हूं कि मेरी बात कभी चलेगी कभी नहीं चलेगी नहीं ये मेरी चलती ही चलती है ये नहीं टकराते मुसाला ने कहा नहीं ऐसे ही अल्लाह मैं ऐसे अपने समझ के लिए कह रहा हूँ कि अगर कभी हो जाए तो ऐसे होता तो नहीं लेकिन हो जाए तो अल्लाह पाक ने कहा कोई कोई मसला नहीं मैं अपना एक जानवर भेजूंगा एक जानवर भेजूंगा वो इनका सबका एक लुकमा करेगा यार अल्लाह इतने बड़े सिस्टम का एक लुकमा करेगा जानवर वो जानवर किधर है वो जानवर किधर है आपने अल्लाह ने फरमाया वो जानवर एक नहीं है वो जानवर भी लाखों हजारों हैं वो जानवर मेरी चरागाहों में से एक चरागाह में चर रहे हैं वो क्या जानवर होंगे वो क्या चरागाहें होंगी वो क्या सिस्टम हम अल्लाह जल्ला जलालू को जानते थोड़ी हैं कि अल्लाह कौन है क्या ताकत अल्लाह है इसलिए कभी कभी अल्लाह तुबारक तो बताला ऐसे ही कभी होता ना कि आदमी दुनिया में किसी को कह के, के तेने तान, तेनाली मेरा पता भी, है मैं कौन हाँ मैंने लाइट ले रहे हैं हम कहते हैं ना मैंने लाइट ले रहे हैं लाइट ना ले तेन पता नहीं मैं कौन हाँ तो अल्लाह इन कुरान में एक भाई इसी तरह क्या है कि मैंने मुझे तुम लाइट ले रहे हो मामा कदर अल्लाह कदरी तुमने मेरी कदर नहीं की जिस तरह की मेरी कदर करने का हक हाँ था लाइट लिया मुझे होंगी क्या मतलब वह समावा तुम और मेरी दाहिनी कलाई पे सातों आसमान लिपटे हुए होंगे ये अल्लाह क्यों बताना पड़ा कि अल्लाह को लाइट ले रहे अल्लाह हम समझते हैं कि वो अगर मैं जितने की ताकत मेरी है उससे कुछ थोड़ी सी ज़्यादा उगल लगी और क्या है कितना कितने की ताकत उगर लगी मैं जब न्याया तबलीम में लगने लगा था ना तो मेरी उम्र थी उस वक्त तीस साल इसलिए मैं लोगों को कहता था हूँ कि मैं मैं कहता नौ सौ चुहे खा के बिल्ली आज नहीं चल तो मैंने कहा मैंने नौ पूरे नहीं थे कर दे अभी अभी थोड़े ही खाए थे तीस साल का तो मैं था सारा ही तो तीस साल कितनी की उम्र होती है तो मैंने कहा जब तब्लीग में लगा तीस साल का था मैं तबलीग जब लगा तो मैं हज पर हज करने के लिए गया तो उन दिनों मौली तारिक तारिकिल साहब यंग होते थे बिल्कुल मौलाना सही अहमद खान साहब रहा उस वक्त हयात होते थे हज पे होते थे सारे ये सारे बुज़ुर्ग हज पे थे तो मुझे तारिक अल साहब मिल गए वो मुझे कहना कि यार तुमने बड़ा अच्छा फैसला किया तुम हज पे आ गए हो अब तुम फैसला करो कि जब वापस जाओगे ना तो वापस जाके अब तुम ड्रामों में काम ना करना मैं मैं तो हज करने आया हूँ ड्रामे छोड़ने थोड़ी आया हूँ वो तो मैं हज बस हज कर नहीं हज का मुजा हज क्या होता है हज क्या होता है उन्होंने सारा समझाया कि हज तो वो है कि जिंदगी बदल देने का नाम हज है आज तो हज का मतलब ही तब्दीली है तो तब्दीली अगर ना हुई तो क्या फ़ायदा तो मैंने उन्होंने कहा मैं ये बताओ कि खाऊंगा कहाँ से आप तो आराम से कह दिया कि मैंने में, तो जब से आंख सब खोली है और कोई काम किया ही नहीं तो खाऊंगा कहाँ से तो उन्होंने कहा कि एक बात बताओ कि तुम हलाल करवाते हो कि हराम है जो करते हो हलाल है कि हराम है मैंने कहा मुझे तो पता कहीं कहते हैं लोग हराम हैं लोग कहते हैं ये हराम है तो उन्होंने कहा अच्छा अगर हराम है तो खिलाता कौन है तुम हराम करते हो खिलाता कौन मैं खिलाता तो अल्लाह ही है उन्होंने तो कहा कैसी तुम अजीब बात करते हो कि तुम हराम कर रहे हो तो अल्लाह खिलाता है तुम हलाल करना शुरू कर दो अल्लाह रोजी बंद कर देगा कैसी बात करते हो हराम कमा रहे हो तो अल्लाह खिला रहा है हलाल करोगे तो ना खिलाएगा मैंने कहा यार बात तो आपकी बड़ी लॉजिकल है समझ आ गई बात की कि बाकी बात ठीक है तो मैंने कहा ठीक है मैं मैंने फिर अरफ़ात के मैदान में खड़े होकर अल्लाह से बात कर ली मैंने कहा अल्लाह बस मुझे तो पता कुछ नहीं था हराम हलाल क्या होता है ना मुझे ये पता था ये क्या होता है तो बस मैं मुझे तो ना ताकत दे दे कि अब मैंने ये काम नहीं करना तो मौन ने अहमद ख़ान साहब रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त तो क्योंकि बड़े हयात थे और बड़े जोबन में थे तो मैं मुझे मदीना मनवरा में ना वो मौली बाद है एक का बुजुर्ग है उस वो उनका खादम आता था हमारी उम्र का ही दोस्त भी है हमारा बहुत तो वो खादम था तो मदीना मनवरा में यूँ रोजा रोज़ा मुबारक से बाहर निकल रहे थे मौलाना व्हील चेयर वो ले कर आया था तो तो उसने कहा कि मौलाना नईम है तो मौलाना कहा इसको खाने में बुलाओ घर खाने पर आ जाओ तुम इसरा नाग में बोलते थे खाने पर आ जाओ खाने घर घर चला गया उनके तो वो उसने मौली बादल ने, तो तो ने कहा कि मौलाना इसने तोबा कर लिया ये कहता दोबारा दोबारा ड्रामे नहीं कर रहे अच्छा तुमने तोबा कर ली अब दोबारा ड्रामे नहीं करोगे मैं कह नहीं करूँगा तो तो घबराना ना घबराना ना आज कल अल्लाह एक साल से ज़्यादा नहीं आजमाया करते साल की तरह आजमाइश होगी अगर ज़्यादा हुई भी तो साल में ठीक सेट हो जाएगा घबराना ना तो जी ऐसा मुझे ऐसी ताकत मिल गई जी ठीक है बस मैं इन तला साल तो गुजार ही लूंगा लेकिन मैं ये बात मुझे इसलिए याद आ गई कि मैंने आपको कह रहा हूं कि अल्लाह कुदरत वाला है हम अल्लाह को जानते नहीं कि होगा अल्लाह करेगा कैसे हम अल्लाह को सवाल करते हैं कि आप कैसे करेंगे वो तो बाबा अल्लाह कैसे करेगा अल्लाह के लिए ये थोड़ी कि कैसे करना वो करेगा बस जिस अल्लाह ने ये छोटा सा एक महकमा है ये ये इस घर में बैठे हम उधर थोड़ी सी औरतें बैठी थोड़े से बंदे लेकिन एक बात याद रखो मेरे दोस्तों ईमान वाले हमेशा कम ही होते हैं ये आसमानी फैसला है, मेरा नहीं दीनदार लोग कम ही होंगे हमेशा ही एक आदमी बैठा दुआ कर रहा था या अल्लाह मुझे थोड़ा में से बना दे या अल्लाह मुझे थोड़ा में से बना या अल्लाह थोड़ों में से उमर रजी अल्लाह तला पास से गुजरे कर रहे हो क्या कर रहे है ये क्या थोड़े बना थोड़े ये क्या कर रहे हो तो उन्होंने देख देखिए उमर रजी कहा ने कहा क्या ने ने, आपने कुरान नहीं पढ़ा नहीं पढ़ा कुरान में अल्लाह कहते नहीं कि ईमान वाले थोड़े ही होंगे अमान वाले थोड़े ही होंगे यकीन वाले थोड़े होंगे तो मैं अल्लाह कह रहा हूँ उन थोड़ों में से मुझे कर दे तो उमर रजी अल्लाह की आंखों में आंसू आ गए उन्होंने कहा देखो अल्लाह ने मेरी राया में ऐसे लोग पैदा किए हैं जो मुझसे ज़्यादा इल्म वाले हैं ये थोड़ा है, ही है माल ये माल थोड़ा ही है क्योंकि सौदा महंगा है जो सौदा महंगा होता है उसके खरीदार थोड़े होते हैं ये ये दुनिया का असूल है जो महंगी चीज़ होगी उसके खरीदने वाले हो थोड़े होंगे जो सस्ती होगी वो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा होगा उसका माल ये जो ब्रांड ब्रांड खरीदते हैं ये ब्रांड है जी ये ब्रांड ब्रांड वाले थोड़े होते हैं महंगे होते हो लेकिन ये ब्रांड जो अल्लाह वाला ब्रांड है इस ब्रांड के तो मजा ही कुछ और है मैं तो लोगों को यकीन कहता हूं मैं मुझे इस तबलीग में लगे हुए तीस साल हो गए एक बुजुर्ग की मैंने बात सुनी थी उन्होंने कहा था कि उन्होंने कहा कि लोगों को तो पता कुछ नहीं लोग जानते नहीं कि दीन पे चलने में जो मजा है दीन पे चलने में जो मजा है लोगों को पता नहीं अगर बादशाह को पता चल जाए कि जो मजे मैं ले रहा हूं उन्होंने कहा जो मजे मैं ले रहा हूं अगर बादशाह को पता चल जाए तो मेरे मजे पे टैक्स लगा दे कि तुम किस बात के मजे ले रहे हो हम तो फंसे गए तुम मजे ले जा रहे हो तुम्हारी जिंदगी मजेदार कितने मजेदार जिंदगी है कि मौत का खौफ नहीं वो कहते कि मर ही कितने मर ही जाइए अल्लाह ने मुलाकात हो जाएगी कितना मज़ेदार है ये प्रोग्राम कितना मज़ेदार प्रोग्राम लेकिन ये कि खुश हो जाओ अल्लाह से अल्लाह से खुश हो जाओ कभी अपने दीन पे, अपनी ज़िंदगी पे कभी रिग्रेट्स ना करें दीनदार के लिए मुनासिब नहीं है कि वो कि किसी माल वाले को चीज़ों को देख के यार देखो खुश है मेरे को इस बात से अल्लाह नाराज़ होते हैं अल्लाह अल्ला के नबी ने मना फरमाया है कि कुरान वाले को ये जेब नहीं देता कि किसी दूसरे आदमी की चीज़ें देख के उस पर रश करेगा तेरे पास जो है वो किसी के पास नहीं अभी मैं आपसे मिला हूँ अभी मैं आगे मिला तो इनका इनका चेहरा देख के मैंने कहा माशाला चेहरा देख के मजा आ गया रोशन चेहरे रोशन चेहरे तो कई कितने लोगों को मैं जानता हूँ यकीन करो जितने माल वाले हुकूमतों वाले कई दुनिया मेरी जानने वाली है उदास चेहरे परेशान हर वक्त चेहरे पे लगता है कि परेशानी है दूर से ही लगता परेशान थी तो उनके मल् तारक मीरसा के मदरसे में गया बयान उन्हें यार मेरे मदरसे में बयान कर तो मैंने कहा आपके मदरसे में क्या बयान करूँ वो तो सारे उलमा करामा मैं क्या बयान करूंगा उन्होंने कहा नहीं यार तुम मैंने उन्हें कहा है कि तुम आयोग तो जरा करो बात तो खैर मैं चला गया बात वो सारे लड़के बैठे थे सारे <coughs> अब तो, मैं यूं तो मेरे कोई हजार के करीब लड़का है वहाँ तो यू सारे बैठे थे मैं ऊपर ऐसे बैठ गए तो देखे सबके ऐसे रोशन चेहरे रोशन लाइटें मैंने उनका कहा मैंने कहा तुम लोग शुक्र करो खुदा की जात का कि अल्लाह ने तुम्हारे चेहरे कैसे बनाए रोशन और मैंने रोशन चेहरे वो आता ना इमाम मालिक कहते हैं कि जनाजे जनाजे बताया करेंगे इमाम मालिक रहमत लाला का कॉल है ना कि जनाजे बताया करेंगे कि इसने कहाँ जाना है डेस्टिनेशन कहाँ है इसकी ये कहो कभी जन, वो कभी देखा करो जो डेड बॉडी होती हैं मर जाता कभी उनकी शक्लें देखा करो बॉस उनकी शक्लें ही बता देंगी कि कहा कहाँ जाने ये ऐसा सिस्टम है अल्लाह का अभी दो दो मेरे सामने ऐसे ऐसी मौतें हुई अभी एक हमारे मस्जिद का एक साथी था जो त, हमारा जमात का अमीर भी था अभी उसका इंतकाल हुआ अब जिसने इंतकाल हुआ तो हमारे मस्जिद ऐसी कि मस्जिद के बाहर जनाजा पड़ा होता है तो फ़र्ज़ नमाज के बाद फिर जनाजा पढ़ाते हैं तो मैं इधर से आया मैंने मैं, मेरी आदत है मैं देखता हूँ चेहरा तो मैंने जाके उनका उसको तो, अकेले अकेले वो लेटे थे बाकी नमाज मिलको खड़ी होने वाली थी एक आदमी ट्र तो गया था तो मैंने जब चेहरा देखा उनके जैसे मुंह उनका खोला तो यकीन करें कि वो 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 यानी साम्वले आदमी थे साम्वले सामले नदी सामले लेकिन वो मरे मरे का चेहरा ऐसा जैसे सफ़ेद बिल्कुल बिल्कुल सफेद ऐसा खूबसूरत अभी अभी सोया हुआ अभी उठ जाएगा तो मैंने देखे कभी मैं क्या सुबहानल्ला पुग गए मजे शुरू हो गए आज से आज से याशी, याशी शुरू हो गई आज से तो अगले दिन वेरी नेक्स्ट डे एक जनाजा आया वो पाकिस्तान के बहुत बड़े जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के कोई जस्टिस साहब से उनका नाम नहीं बताता उनका जनाजा आया तो मैं उनका जनाजा देखने के लिए जब उसकी शक्ल देखने के लिए बाहर लोग बिपना लो खड़े थे लोग काफ़ी लोग खड़े थे बाहर लेकिन वो बाहर खड़े थे लोग फ़र्ज़ नमाज़ हो रही है और लोग बाहर खड़े हैं नमाज जब हो गई तो जनाजा पढ़ने आ गए यानी इस तरह के जनाजे में लोग शरीक हुए और जब मैंने उनका चेहरा देखा तो मैं चेहरा देख के मैंने फ़ौरन बंद कर दिया मैंने कहा अल्लाह रहम फरमाए अल्लाह रहम करे क्योंकि मेरे दोस्तों ये मैं बता दूँ आपको हदीस में आता ना कि क्या वाले दिन जिसका मफूम है कि सबसे पहले जिस आदमी को अल्लाह अपने अश के सय के नीचे बुलाएंगे वो कौन होगा वो वो होगा जो मुनसिफ़ हाकिम जिसको अल्लाह ने ऐसे जगह पे बिठाया जो इंसाफ कर कर सकता था अगर उसने इंसाफ किया है तो सबसे पहले उस जज को उस मजिस्ट्रेट को सबसे पहले बुलाएंगे कि तुम मेरे अर्श के सया के नीचे आ जाओ और अगर जज साहब ने इंसाफ ना किया अगर डंडी मार दी तो उसका रिवर्स भी बड़ा ख़तरनाक है मैंने एक जस्ट जज जज साहब से कहा बहुत बड़ा पाकिस्तान का जज बन गया तो मैं उसके घर गया मैं कहा तुम्हें इतनी बड़ी पोस्ट मिल गई जज साहब ये तुम्हें तुम ये ना समझना तुम्हें पोस्ट पैसे बनाने के लिए मिली है ये तुम्हें पोस्ट मिली है आखरत बनाने के लिए आखरत बना लो आखरत ना हार जाना उन्होंने कहा हाँ बस फिर दुआ कर मैंने मैंने भी सुना है मैं इनशाला आखरत बनाऊ मैं फिर चार महीने के बाद गया मैं कहा देखो तेरी ये मुझे गड़बड़ लग रही है तो ख़राब हो जाएगा आखिर ख़राब हो जाएगी ना करें कुछ भी नहीं दो साल ऐसे कुछ जाने दो ढाई साल क्या होते हैं लेकिन नहीं ये नसीबों से बात समझ आती है तो बहर मेरे दोस्तों में आपसे बात जो ये आप आ गया हूँ बात करने के लिए इनका अल्लाह भला करे आप आप लोग तो नेक लोग हैं तो इससे गुनागार लोग हैं ये अल्लाह का फजल है जिस जिसपे हो जाए कि अल्लाह उसे दीन अता फरमा दे इस पर खुश हो जाओ कि अल्लाह ने हमें दीन अता फरमाया ऐसे लोगों में बैठने की तौफीक अता फरमाई जो अल्लाह की बात करते हैं कि कुरान का हुक्म है कुरान का हुक्म है कि अ मेरे नबी जी आप उन लोगों में बैठने का अपने आप को पाबंद करो जो सुबह शाम अल्लाह की पाकि बयान करते हैं ये हुक्म नहीं कुरान का अल्लाह की पाकि बयान करने वालों में बैठो वरना जिन लोगों में बैठो हदीस में आता है कि जो इंसान अपने दोस्त के मज़हब पे होता है जैसे दोस्त बनाओगे वैसे हो जा। यह जाए ये यकीन करो मैंने मैं आपको पूरे पूरे तजर्बे से ये बात कह रहा हूँ मैं जब शुरू शुरू में यंग था तो मेरे मेरा एक दोस्त था शिया वो बड़ा बड़ा कट्टर किस्म का शिया था उनके घर में उनके वाल साहब भी मजलसे करते थे और ये वो तो मैं उनके घर में मेरा वो पार्टनरशिप हमने पार्टनरशिप हो गई उससे पार्टनर में करने लगे तो वो मेरा पार्टनर बन गया मैं उनके घर में ही रहा कर शादी मेरी हुई नहीं थी घर में रहता था तो थोड़े अरसे के बाद मैंने भी अलम अलम सूखने शुरू कर दिए थे मैं जिसमें जाना शुरू कर दिया मैं हर मुहर्रम आते थे काले कपड़े पे में जाना शुरू कर दिया ये उस दोस्ती की वजह से दोस्त समझ के बनाओ किसी को समझ के दोस्त बनाओ हर किसी को दोस्त ना बनाओ दोस्त किसको किसी ने पूछा यार सुना किसको दोस्त बनाए तो जिसमें तीन खूबियाँ उसको दोस्त बनाओ तीन खूबियों वाले को दोस्त बनाओ क्राइटेरिया कैसे बताएं कि तीन खूबियाँ किसमें क्या खूबी एक तो पहली नज़र जब उसको देखो तो देख के अल्लाह याद आए इसको दोस्त बनाओ इसको देख के अल्लाह याद आता है और नंबर दो जब उसके पास बैठो तो कुछ ना कुछ तुम्हारे इल्म में इजाफा हो कुछ ना कुछ लेके आओ उससे और नंबर तीन जब उसका अमल देखो जब उसका अमल देखो तो तुम्हें आखिरत का शौक पैदा हो जाए ऐसे बंदे के साथ दोस्ती लगाओ ढूंढ के कि जिसमें ये सिफात है। इस वक्त जो सिस्टम चल रहा है मेरे दोस्तों इस वक्त ये है फितने का दौर फता फसाद का इस वक्त तो एक अजीब ही काम हो गया यानी वैसे मैं, वैसे मैंने अभी अभी तक मैंने ऐसा ये दिन ब दिन एक सूरत ऐसी बन रही है कि बिल्कुल ही उलट हो गया अभी यहाँ थोड़े दिन पहले ना किसी जगह पे वो अब इस सारे सारे पाकिस्तान में एक एक शोर मचा ना महीश्यत ख़राब हो गई महेशत बिगड़ गई मईत नहीं ठीक हो रही पैसे नहीं आ रहे डॉलर ये हो गया वो हो गया तो वहाँ पे ये हमारे एक दोस्त हैं यहाँ पे उनके घर में ना उन्होंने सारे पाकिस्तान के बड़े बड़े इंडस्ट्रीज बुलाए थे तो ये साग डार साहब भी वहाँ आए थे तकरीर करने के तो मैं भी वहाँ मैं भी गया था ये अभी पिछले पिछले हफ़्ते की बात तो मुझे भी उन्होंने बुलाया कि आप भी मैम मैं गया तो मैंने उसे नमाज इस तरह नमाज हम पड़ज़ोर की नमाज़ पढ़ाई तो मैंने एक बात में क्या डार साहब आपको हदीस सुना उन्होंने कहा मैंने हदीस सुनाई तो उन्होंने कहा यार ये सब के सामने सुनाओ ये बाकी लोगों ने सुनी थी ये सब के सामने सुनाओ तो खैर जब वो फंक्शन शुरू होने लगा तो उन्होंने कहा कि पहले नहीं साहब ये बात सुनाएंगे तो मैंने कहा देखो हदीस में आता है अल्लाह के नबी ने हर मसले का हल बताया अल्लाह ने बताया कि मोमिनों की जमात मुसलमानों की जमात जब मिलके किसी बात को चाह लेती है तो अल्लाह भी उसको चाह लेते हैं शर्त क्या है जमात जमात मिलके एक बात को चाहे तो अल्लाह चाह लेंगे जमात क्या होती है जमात किसको कहते हैं जमात उसको कहते हैं जिनकी सोच फिक्र एक हो ये नहीं कि कोई और कोई कुछ सोच रहा है कुछ सोच रहा है तो मैंने कहा सब पैसे वाले बैठे तुम सब लोग पैसे वाले बैठे हो यहां पर अल्लाह ने तुम लोग को पैसा दिया है पाकिस्तान से पैसा दिया है अगर तुम लोग अगर तुम लोग डॉलर खरीद के रख रहे हो कि जी डॉलर महंगा हो जाएगा तो मुझे नफा हो जाएगा तो तुम जालिम हो तुम सबसे बड़े जालिम हो कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हो जिस जिसके अंदर अल्लाह ने तुम्हें इज्जत दी जहां तुम्हें नाम दिया वकार दिया माल दिया अब उस पर मुश्किल लगता है तो तुम उसका साथ छोड़ रहे हो तो तुम सब मिलके ये माल वाले सब मिलके अगर चाह लें कि हमने पाकिस्तान को इस मुश्किल से निकालने अल्लाह भी चाहेंगे ये ही मामला दीन का है अगर मोमिनों की जमात मिलकर चाह ले कि हमने दुनिया में अल्लाह का नाम बड़ा करके छोड़ना है अल्लाह का पैगाम पहुंचा के छोड़ना है तो अल्लाह कुदरत वाला है खुदा की कसम अल्लाह ताकत वाला है अल्लाह उन मोमिनों के ऊपर रख के फैसला कर देगा पूरी दुनिया में अल्लाह अपनी आवाज पहुंचा देगा उसको बना लेगा ये जो थोड़ी सी औरतें बैठी थोड़े बंदे ये मामूली नहीं है एक औरत मौलाना सईद अहमद खान साहब फरमाया करते थे इसका मफह है कि एक बनी हुई औरत बनी हुई बनी हुई औरत कौन जो अल्लाह को जानती हो जो अल्लाह के नबी को जानती हो जो अल्लाह के नबी की जिंदगी जानती हो एक औरत मौलाना फरमाते थे कि ये एक औरत सत्तर औलिया पे भारी है सत्तर औलिया पे भारी एक औरत और एक बिगड़ी हुई औरत एक बिगड़ी हुई औरत ये हजार बदमाशों पे भारी है एक औरत औरत का इतना बड़ा रोल है माशरे में ये औरत मामूली नहीं होती औरत अगर बन जाए मैं देखी है बड़ी कई बनी हुई बनी, बनी औरतें देखी हैं ओह क्या कंट्रीब्यूट कर गई वो औरतें खुदा की कसम क्या कंट्रीब्यूट कर गई एक हमारे मोहल्ले में देखता हूँ हमारे पास एक खातून आती थी औरत गरीब औरत है यकीन करो पैदल बुढ़का पहना पहना मैंने कई दफ़ा उसको देखा हाथों पे भी दस्ताने मुंह भी सारा ढका हुआ आंखें भी नजर नहीं आ रही वो पैदल आ रही आती थी, थी कुरान पढ़ाने के लिए उसने मेरे ख्याल लाहौर की कितनी औरतों को कुरान पढ़ाया उसने और गरीब औरत बिल्कुल गरीब और उस औरत ने अपनी गुराबत में लोगों को अल्लाह ने उसको अल्लाह अल्लाह तो अल्लाह है उस औरत से अल्लाह तबारक तआला ने उसको फिर अमीरों के घर में पहुँचाया उन अमीरों की औरतों को कुरान पढ़ाया उन अमीरों की औरतों की वजह से उन अमीर अमीर लोगों की वजह से उसने कितनी मजदब बना दी उस एक औरत ने मैं खुद जानता हूँ सब कई मदरसे उसने खुलवा दिए कई इलाकों में गरीब गरीब इलाकों में मदरसे बना दिए एक ही औरत क्योंकि ये अल्लाह का सिस्टम है आप अल्लाह वाले अल्लाह का नाम लेने वाले बन जाओ और यकीन के साथ कि जो मेरे पास सौदा ये एक नंबर माल है ये माल एक नंबर खुदा की कसम खा के आपको कहता हूं मेरी बहन और भाई अल्लाह सर इंसानों को आपको समझ छोटा छोटा कर देगा कुछ भी नहीं अल्लाह हर बंदे की अजमत हर किसी का खौफ निकाल ही देगा दिल में से आपको वजीर पाकिस्तान इतना सा लगेगा ये क्या है कुछ भी नहीं ये वजीर साहब क्या है माल वाले क्या है कुछ भी नहीं अल्लाह सब की अजमत दिल से निकाल दे अगर अल्लाह की अजमत दिल में आ जाए तो ये फार्मूला है वो कहना कि दो आलम से करती है बेगाना दिल को अजब चीज है लज्जत आशनाई ये मैं आपको करके बता रहा हूं मैंने करके देखा है बाखु कुछ जहां आप अल्लाह की बात करोगे जिस जगह जिस महफिल में बैठ के आप अल्लाह की बात करो जहां भी बैठ के सिर्फ एक काम सीख लो कि मैंने जहां जाना है मैंने अल्लाह की बात जरूर करनी है बस जो जिस महफिल में जो औरत और मर्द बैठ के अल्लाह की बात करेगा अल्लाह उस मजलिस में ही उसको इज्जत वाला बना देंगे ये मैं तजर्बे से आपको कह रहा हूं जहां मैंने अल्लाह की बात किया की कसम वहां सब कुछ सब सब कुछ छोटे हो गए अल्लाह ने उसको तो बड़ा कर दिया ये अल्लाह का सिस्टम है जो अल्लाह की बात करेगा याद रखो जो मैंने कहा तो कहता हूं जो, जो चाहता है ना दुनिया में कि मेरा नाम बड़ा हो जाए ये भी हर किसी की ख्वाहिश मेरा मेरा मुझे लोग पहचाने मेरा नाम बड़ा हो जाए हर किसी की ख्वाहिश तो सिंपल फार्मूला है सिंपल फार्मूला कि तुम अल्लाह को बड़ा कहना शुरू कर दो अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर जो अल्लाह को बड़ा कहेगा उसके कहने से अल्लाह बड़ा नहीं होएगा अल्लाह तो बड़ा ही है लेकिन जो अल्लाह को बड़ा करेगा अल्लाह इसको बड़ा बना देगा ये बड़ा बन जाएगा ये दुनिया में इज्जत वाला बन जाएगा और जो अल्लाह की तारीफ करेगा जो अल्लाह की तारीफ करेगा अल्लाह की सबसे ज्यादा तारीफ जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा आपने की है तो अल्लाह ने क्या बना दिया उनको यह फार्मूला क्या तक चलेगा जो अल्लाह की तारीफ करेगा लोगों के सामने अल्लाह इसकी तारीफ लोगों की जुबान पर जारी कर देगा यही मानसे जो आज बसे बसे मुझे मैसेज आया ना इंतकाल हो गया ये क्या काम है ये दावत का काम भी क्या काम है दावत का काम सिर्फ ये तबलीगी जमात ही नहीं बाकी सब दावती ही है जो अल्लाह की बात कर रहे हैं वो दावती है सब तबली जमात एक अपना सिस्टम है बाकी, बाकी, बाकी जैसे ये जो काम यहाँ कर रहे हैं जो आप साहब कर रहे हैं ये मदरसे में हो रहा है यहाँ पे काम ये तो तबलीग मत नहीं जाते लेकिन ये भी तबलीग है तो, अल्लाह का पैगाम तब्लीग क्या अल्लाह का पैगाम पहुँचाना लोगों तो अल्लाह का पैगाम पहुँचाना अल्लाह की बात करना ये ऐसा इज्जत वाला काम है ऐसा इज्जत वाला काम है जो चाहे जो बड़ा बनना चाहे ऐसे बन जाए और जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मुबारक ज़िंदगी है इसको आम करो मेरे दोस्तों सच मुझ की ज़िंदगी आम क्योंकि इतना ख़राबी आ गई है ये इसने यूट्यूब और ये चैनल ये फेसबुक इतनी खराबी कर दी है कि अब सही बात सही बात करने की शदीद मैंने मुझे यकीन करो मैंने मैंने नहीं मैं नहीं करता था ये रिकॉर्डिंग मैं नहीं करता था मैंने जब देखा इतना खराबी है इतनी खराबी है देखिए तो ये तो सारी खराबी फैलाई जा रहे हैं तो कोई सही बात तो करेगा कि नहीं करेगा और खराबी कहाँ फैल गई कि आज वो मुफ्ती तक उस मंदिर साहब का एक मैसेज चला वो कभी इतना से चल रहा है लेकिन आज मेरे पास पहुंचा कि ये जुमा मुबारक है जुमा मुबारक जुमा मुबारक ये चल गए ये असल में ये गोरों से चला है कि हैप्पी संडे वो कहते थे हैप्पी संडे हैप्पी अगर छुट्टी हो गई ना वो छुट्टी को खुश खुशियाँ मनाते थे कि पाँच दिन काम करना है दो दिन याशी करनी है तो हैप्पी सैटरडे हैप्पी संडे ये मैसेज चलते थे कि हैप्पी संडे हैप्पी वही हमने भी वही शुरू कर दिया कि आज जुमा मुबारक जुआ तो मुफ्ती साहब ने ये मैसेज चलाया कि भाई ये बिदत ना करो क्योंकि आज तो तुम कह रहे हो जुमा मुबारक पचास साल बाद ये दीन का हिस्सा बन जाएगा जब पचास साल बाद कोई ये बात कहेगा कि जनाब ये जुमा मुबारक तो ठीक नहीं है तो कहेंगे ये इतवा भी क्योंकि आज जो सही बात करता हैं उनको तो क्या कहते हैं इसलिए इसको सही बात करना जरूरी है ये जुमा मुबारक अगर कोई कहता है तो खुदा के लिए हट जाए इससे मैंने अभी अभी देखा मेरे हमारे जानने वाली अदाकारा थी उसका बेटा मर गया उसके बेटे का था बेटा साहब चले के मर गया तो मैंने उसको कभी किसी जमाने में मेरी वाकफ होती थी वो तो उसके बेटे में मैंने देखा कि वो बेटे के लाश पड़ी है बेचारे की तो औरतें ये रिकॉर्ड हुआ औरतें पढ़ रही ला लाला मोहम्मद पाक रसूल अल्लाह तू इस ऐसा करी बख्शी या अल्लाह ओ ये पढ़ी गाली जा रही है ला लाला मोहम्मद पाक रसूल अल्लाह इस रूनू बख्शी या अल्लाह मेरे ये क्या हो रहा है उनको तो पता ही नहीं कि हम ये ये तो यानी कलमा ही गलत कर दिया हमने तो मोहम्मद पाक रसूल में इस तरह बख्शी जाएगी लेकिन वो वो नेकी समझ के उसको बड़े अपने तरह से बड़े नेक काम कर रही थी तो मैंने कहा अगर इसको इसको बयान ना किया जाए ना बताया जाए तो ये तो यानी अल्फाज इतने जरूरी हैं कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी सहाबी को एक दुआ बताई जिसके आखिर में आता था कि मोहम्मद तो उसने कहा कि जी उसने उसने, उसने, उसने दुआ जब पढ़ी तो उसने कहा मोहम्मद आपने कहा आप मैं नहीं ये रसूल नहीं मोहम्मद रसूल नहीं मोहम्मद नबिया मैंने जो अल्फाज कहे वो कहो तू अपने अपने पास से ना ऐड करो जो मैंने कहे हैं इस पर यहां वो वो है अल्फाज यानी रसूल और नबी में क्या फर्क है लेकिन के नबी ने कहा नहीं जो मैं कह रहा हूँ ये करो तो उसने कलमा ही मोहम्मद पाग रसूल्ला कर दिया अब बताओ ये कितनी जरूरत है ये बात बताने की कि ये कोई कोई बताए खुदा के लिए गलत है ये ये गलत है ना करो हम हम किसी पे इतराज नहीं कर रहे कि लोगों के हम लेकिन कहते यार कोई ये सही कर लो ना करो इस तरह इतना काम कर रहे हैं तो ना करो इस तरह हमें कभी जो किसी किसी के वो क्या होता है वो दुआ टाइप थी जिसको वो कुल कह लें दुआ कह लें कुर कुरान खानी कह लें मैं वहाँ गया तो मुझे तो उन्होंने कहा जी हजरत आपने बात करने के बाद दुआ करानी है और साथ पर्चा दे दिया देखिए ये क्या है उसने कहा जी ए कुरान पाक पढ़े ने एन ए कलमा पढ़े एन यासिन पढ़ी है ए आल दारा तस्करा कर देना अब मैंने कहा जिसके लिए पढ़े हैं उन्होंने गिनती की हुई है इसकी अल्लाह को बताने की जरूरत है कि जनाब ऐने दुआ कराते अजी चाली यासिन भी जरा कह देना चाली यासिन शरीफ भी पड़ी हुई अल्लाह दस दी यानी दीन को खराब करते 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 वहां ले गए कि अब वो आज मैंने किसी को मैसेज किया मौलाना तकी ऊस्मानी साहब कहा कि यह नहीं कहना तो उसने कहा जी, मैं तो कभी ता ही नहीं मना कर रहा नहीं वो इस पर भी इतराज कर दिया उन्होंने सही बात का पहुंचाना यह भी बड़ा जरूरी है मेरे दोस्तों कोई नबी की बात लोगों तक पहुंचा दे खुदा की कसम हजूर वसल्लम ने हर हर अमल बता दिया कि ये कर लो हम वहां लग पूरी कौम यहां लग गई है कि कोई बस कोई छू मंत्र हो जाए बस आप ही कर दो एक हमारी जानने वाली खातून ने उसने मुझे कहा कि जी मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मेरा दुआ करें मेरी पहले दो बेटी हैं बेटा पैदा हो जाए <coughs> तो मैंने उसे कहा कि तुम ऐसा करो रोजाना पाँच सौ दफा लाला ला ला को पढ़ा करो तो इनशाला बेटा ही पैदा होगा तो महीने के बाद मैंने पूछा तुम पढ़ रही हो मैंने कहा ज़रा आप ही पढ़ दें मैं तो बस यानी अल्लाह के नबी अल्ला ने तो अमल बताया था और हम कह क्योंकि इतनी खराबी की है इतनी खराबी की है कि पैसे ले ले के हो दुआएं तेरा काम तो जब पैसे, पैसे में देते तेरा काम हो जाए इतनी खराबी कर दी है कि अब अमल पे आने को त... जबकि अल्लाह के नबी ने हर बात का अमल बताया कि ये करो ये कर लो ये कर लो ये करो हर किसी को अमल यानी एक सहाबी ने हद की बात पूछी एक सहाबी भी आप सबसे खुश हो गए आप खुश हो गए कि उसने कोई खिदमत की तो आप खुश हो गए आपने फरमाया मांगो क्या मांगते हो अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्ला वे फरमाए मांगो क्या मांगते हो तो ये तो ये थोड़ी था कि कि वो वो कह जी मैं ये चाहता हूं तो आ, आ, आप सबसे कहते तो मैं नहीं दे सकता कोई और मांग लो अब प्राइम मिनिस्टर साहब अगर कहे कि मांगो क्या मांगते हो तो मैंने वी अरबे रुपया दे दोगे मैं ये तो मैं नहीं दे सकता कोई और मांग ला चक्कर था नहीं उसने कहा कि वो अल्लाह के नबी ने खुश होकर मुझे कह दिया मांगो क्या मांगते हो तुम्हें क्या मशवरा करके दो उसने सोच के मशवरा करके आगे दो गए दो गए दो गए दो गए कहा आपने फरमाया था मैं मांगू तो मांगू अब न मैं जन्नत में आपका साथ चाहता कुर्बान जाए मांगने वाले के कुर्बान जाए अता करने वाले हमें क्या पता क्या मांगना है क्या कहना है क्या चीज़ मांगनी है हमें इतनी भी इतना भी शोर नहीं है कि मांगना क्या है अब अब ये बात समझाने के लिए अल्लाह के नबी ने अल्लाह के अल्लाह के नबी ने फिर अब फरमा देते कि डन हो गया हो गया जन्म साथ हो गया तो कोई मुमकिन को, को, बात मुश्किल थी अल्लाह के नबी ने हमें बताने के लिए ये कहा कि उसको ये कहा कि देखो अगर तुम जन्नत में मेरा साथ चाहते हो तो सजदों से मेरी मदद करना यानी लंबे सजदे करके मेरे पास आना यानी अमल बताया कि ये अमल करके आना खाली ये नहीं कहा कि फूक मारते ना हो गया हो गया कम दीन हमारे में फूक शूक कोई नहीं है एक काम है अमल है ये करो ये करो जो करेगा उसमें जो करे गोला गोरा करे काला करे नीला करे पीला करे करे बस अब ये फार्मूला सब के लिए है अल्लाह के नबी ने कसम खा के कहा ना कि मैं अल्लाह का रसूल कसम खा के कहता हूं कि जो अल्लाह के नाम पे अपना माल खर्च करेगा इसका माल कम नहीं होगा यह फार्मूला के लिए मुसलमान होना भी जरूरी नहीं है गैर मुस्लिम भी अगर ये करेगा अल्लाह उसको भी माल देगा अब अल्लाह के नबी के फार्मूले अगर ईमान वाला बोले ईमान वाला बोले जो अपने माँ बाप का दिल ठंडा करेगा जो माँ बाप का दिल ठंडा करेगा अल्लाह इसको दुनिया में जलील नहीं करेगा ये इज्जत वाला हो के मरेगा याद रखना मुसलमान हो काफर हो माँ बाप का दिल ठंडा कर दे बस तो इसको अल्लाह इज्जत वाला बनाएंगे फार्मूले है अब अल्लाह के बताया क्या अल्लाह मनी असपा तुम इनका फी नियमतिन व आफियतिन वित फ आत्म अल नियम का व आफ़िया तक व सि रखा फिर व आखिर इतनी ही दुआ बताइए कि ए अल्लाह जो नेमतें मुझे अता फरमाई हुई हैं ये नेमतें मुझे दई रखी जो आफ़ियत मुझे ज़िंदगी में आसानी की हुई है ये करी रखी और यह अल्लाह मेरे ऐबों डाल दी रखी मेरी खामियां किसी को ना बताई जो मेरे गुनाह हैं कमजोरियां है, वो ना किसी को इस पर्दा डाल दे और यहाँ भी डाल दी रखी आगे भी ये कैसी दुआ सिखाई अल्लाह ने इसका क्या मतलब है इसका मतलब है गुना सब से होने हैं सब ने गुना करने हैं तो अल्लाह से कोई अल्लाह पर्दा पा ली माज बिन जबल जैसा इंसान माज बिन जबल रजी अल्लाह तनों जैसा इंसान क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं जिसके बारे में हजूर ने फरमाया कि मेरी उम्मत के उलमा का झंडा इसके हाथ में हुआ जबल क्या आदमी होगा वो पूरी उम्मत के उलमा के सरदार हैं वो आम आदमी हो गए गुना हो जाए तो फिर क्या किया करू लो और सवाल पूछो उसका हमारे पीर साहब को ही पीर साहब तक गुना कर नहीं सकते कितने गुना करना यानी वो जो उलमा के सरदार है उनको वो कह रहे हैं कि मेरे से गुना हो जाए तो आपसे असन भी ये नहीं फरमाया कि तुम कुछ शर्म करो तुम इतने बड़े आदमी हो तो गुनाह की बात करते हो ये हमें समझा रहे बात आपने समाया कि अच्छा माज तेरे से कोई गुनाह हो जाए ना तो साथ कोई नेकी भी कर लेगा ताकि बराबर शराबर हो जाए ये क्या छूट दी है उम्मत को कि गलतियाँ तुमसे होनी है साथ फिर नेकी कर लेगा तो उसने क्या कहा उसने कहा, उसने कहा यार सुल्ला ला 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 पढ़ना भी नेकी है आपने अल्लाह के बंदे ये सबसे बड़ी नेकी है ला लाला पढ़ना सबसे बड़ी नेकी है ये फॉर्मूले बता इतनी इतनी आसान जिंदगी बताई है अब इस आसान जिंदगी को मैं उसे भी जिसकी बता रहा हूँ बात ये जो आदमी इंतकाल हो गया अमजद साहब रहमत अभी इंतकाल हुआ गया जरा भी उनका मैं इनके घर में जमात में गया तो ये कोई छिहत्तर सत्तर साल के आदमी से थे तो अभी मैं जब गया इनके घर में जमात में मुझे कह दिया कि नहीं बट बात सुनो उन्होंने कहा पंद्रह साल पहले की बात है मैं नमाज नहीं पढ़ता था पंद्रह साल पहले नमाज तुम एक जगह किसी जगह बयान कर रहे थे कोई किसी की फौती है तुम वहाँ गए तुमने कहा कि जी मैं आपको पूरे यकीन से ये बात कहता हूँ कि आप लोग नमाज पढ़ा करो तो सारे वहाँ वहाँ सारे लोग ऐसे बैठे थे जो नमाज नमोज का ध्यान करने वाले नहीं थे तो तुमने कहा कि आप नमाज पढ़ा करें सिर्फ फ़र्ज ही पढ़ लिया करें ना पढ़े सुनते ना पढ़े नफल सिर्फ दो फर्ज सुबह के पढ़ लिया करें चार जोर के चार असर के तीन मगरब के चार इशा के इतने पढ़ लिया करें तो अगर अल्लाह ने आपको कहा क्या मदद मतलब तुमने बाकी क्यों नहीं पढ़ी तो तुमने कहा था जी तो कहना जी इसने कहा था तो मैंने कहा जी मैं जिम्मेदार हूँ आप इतना पढ़ लें तो उसने खुदा की कसम मुझे कहा कसम खा के आपको बता रहा उसने कहा मुझे पंद्रह सालों के मैंने नमाज नहीं छोड़ी कर उसके बाद मैंने कभी नमाज नहीं छोड़ी और एक उसने दूसरी बात सुना तुम्हारी इस बात से मुझे इतना हौसला हो गया कि इतनी सी जमाज है तो ये क्यों इतने इतने लंबे लंबे हो बस आज मैं तुम्हें बताऊं उन्होंने कहा आज तुम्हें बताऊं कि अब मैं सुनते भी पढ़ता हूं नफर भी पढ़ता हूं मैं लंबे नफर पढ़ता हूं लेकिन उस वक्त जो तुमने समझाई थी बात ये उसकी बरकत से हुआ कि आज फर्ज भी हो गए सुनते भी हो गए नफल भी हो गए सब अगर उस वक्त मुझे कहते सारी पढ़ो तो नहीं पढ़ी जानी थी तो मैंने उससे कहा कि मैंने कहा हजरत अल्लाह के नबी की सबसे महबूब बीवी अम्मी आयशा रजी अल्लाह तन्हा के फरमान का मफहम है कि अगर शुरू में अल्लाह के नबी में पूरा दीन बता देते तो अब मेरे से कोई भी ना उस पर अमल करता वो तो थोड़ा थोड़ा करके इस्तात बना बना के आहता आहिस्ता के किया तो सारे चलने वाले हुए तो उसने मुझे कहा इन्होंने जो आजकाल उन्होंने कहा इन्होंने कहा कि तुम्हारी इस बात की वजह से मैं सैकड़ों लोगों को नमाजी बना चुका हूँ आगे कितने लोगों की बात बता के उनको भी नमाजी बना चुका हूँ आसान आसान है दीन आसान पेश करो लोगों के सामने आप लोग दीन का काम करने वाले लोग हैं औरतें भी दीन का काम करने वाली माशा के अल्लाह की तोफीक है आसानियाँ बिल्कुल किसी की कमी और खामी देखना छोड़ दो बस उसमें कोई है चुप कर जाओ कुछ ना घोष किसी की असलाह की नीयत छोड़ दो मेरी बहनों और मेरे भाइयों ये दिल से बात निकाल दो कि मैंने इसकी असलाह दी बस अब ये बात मुश्किल बड़ी है ये वो कहते हैं हम तो इसलाह तो कर रही है दुआ करते इसलाह ना करें नहीं इसलाह की लिए छोड़ो बस अपनी बात अपनी बात बताओ तुम छोड़ो उसको वो क्या कर रहा है कैसे होगा क्या अभी ये अफजाल अहमद का इंतकाल हुआ है अफजाल अहमद अदाकार था हमारा बड़ा मशहूर अदाकार था और सारी जिंदगी उसकी इसी, इसी तरह फजूल गुजरी है कुछ भी नहीं फजूल जिंदगी सारी मैं बड़ी उस पर मेहनत की लेकिन नहीं हटा वो आखिरकार वो बीमार हो गया बाईस साल बीमार रहा वो बाईस साल बाईस साल बीमार मैंने उसने उस पर इतनी मेहनत की इतनी मेहनत की जिसकी कोई हद नहीं यकीन टस से मस नहीं हुआ बाईस साल उसको बीमार रहा ना बोल सकता था ना चल सकता था वो बैठक बैठा था या सो जाता था बैठता बैठ बाईस साल तो अल्लाह तबारक तआला ने अभी उसकी मौत हुई है शब जुमा पे मरा वो शब जुमा जुमे जुम्मे की जुमे की रात को जिस दिन लिखा हुआ किताबों में कि जो शब जुमा पे मरेगा इसका कब्र का हिसाब ही नहीं होना तो मैं उसके घर गया तो मैंने कही है पता नहीं उसने कैसी तोबा की अल्लाह से क्या अल्लाह से तोबा उसने किया वो बालिक है अल्लाह बादशाह है तुम्हें क्या लगे भाई किसने कि, तुम तुम ना देखोगे कि किसे क्या कर रहा है क्या नहीं कर पता नहीं वो ऐसी तौबा करेगा अल्लाह क्या उसको कबूल हो जाएगी तुम तो अपनी फिक्र करो अपनी फिक्र करो कि तुम्हारा बोल ऐसा हो जाए कि मीठा मीठा बोल बोलने वाले बन जाओ ये किसी के गुनाह देख के उसकी तरफ नफरत से ना देखो क्योंकि नेकी का तकबर भी बड़ा खतरनाक है नेकी का तकबर सबसे ज़्यादा खतरनाक है कि मैं नेक आदमी हूँ तो ये गुनागार है बस ये जिसके दिल में आया नहीं उसकी खैर है नहीं इसकी नेकी नुकी सारी भूल जाएगा इसलिए भाई हम हम अगर अल्लाह की बात मानने की कोशिश करते हैं नमाज़ पढ़ते हैं ज़क़ात देते हैं अगर लोगों से चप करते हैं तो ये अल्लाह के फजल से है हमारा क्या कमाल है इसमें तो उसकी मेहरबानी तो इसमें मेरी बहनों और मेरे भाइयों जिसको अल्लाह ने तोफी दी है ये वाली क्योंकि मैं यहाँ पे चूंकि आया तो देखा था ये अब तो अल्लाह ने फजल फरमा दिया पहले तो लोग लो कहा करते थे ना कि जी मुलाई दौड़ कितने कर? ये बात भी फेल हो गई अब ये बात मार्केट से फेल हो गई अब मुलाई काम कर रहे हैं सारे मौलवी कर रहे हैं काम अभी शराब आए तो कौन काम कर रहा था कितने मौलवी वहाँ पे जा जा के लोगों के अभी वो ये ब, मुझे ब, बतीन बता रहा था कि वो एक सौ डेढ़ सौ घरों की चाबियां बना के दे के आया आप साहब चाबी के जी चाबी ये कौन है अल्लाह ने मौलवी अभी वो एक, एक बच्चे का मुझे पता चला कि उसने वो लेवल में टॉप किया दुनिया में मौलवी ने हैं का बांध जाए माशाल्लाह मौलवी मुझे मौलवी साहब मौलवी साहब को पता मौलवी साहब ने दुनिया में टॉप कर लिया ओ लेवल ए लेवल चलो जाओ ये ये कहानी है बुक गई है मुलाजी दौड़ मसीह तक मुला दी अब बड़ी लंबी दौड़ हो गई है ये भी अभी कतर में क्या किया उन्होंने मौलवी ने जहाँ दुनिया के लोग आए तो उनको अल्लाह का पैगाम सुना दिया उन्होंने पूरी दुनिया में शोर मचा दिया चंद लोगों ने अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर करा दिया। अब अल्लाह तबारक बता रहे मैं वीज़ा वीज़ा लगाने के लिए गया ना अमेरिका का तो मुझे वो कहने वो, वो अमेरिका का वीज़ा लगाने के अंदर बैठा था वो मुझे कहने लगा जी तुमने क्यों को जाना अमेरिका अमेरिका क्या करने जाना मेरे कुछ भी नहीं मैं क्या वैसे ही जा रहा कहते वैसे क्या मतलब कोई काम है वो कोई काम नहीं कहा फिर क्यों फिर को जाना मेरे को तो अमरीका मोल फिर फिर रून नहीं जा सकते हो सकता अच्छा तो तुम्हारे पास पैसे हैं मैंने कहा पैसे तो सिर्फ मोल में नहीं रून और किसी को तो पैसे पैसे तो मेरे को नहीं वो क्या कहते डन भी जब आपका पाँच साल का भेजा डन वो लोग जनाब अपने वो कोई कोई अमरीकन बन के आया हुआ वहाँ कोई उर्ट के कपड़े पहन के आए हुए लड़कियाँ बंदे और तो पुठे सिटे कपड़े पा के आए आएंगे किसी तरह मुतासर कर लेंगे अंग्रेजी बोल मेरे को कुछ नहीं कुछ नहीं उन्होंने कहा कि जवा आपने क्या जवाब कुछ भी नहीं वो मेरे ये तो ज़मीन अल्लाह की है मुझे ये यकीन था दिल के अंदर कि अमरीका अल्लाह की जमीन है अल्लाह अगर चाहे तो मैं जाऊँगा इन इनके हाथ में थोड़ा ये वो तो मेहनत अल्लाह से कर रही है अल्लाह तेरी ज़मीन पर जान ले जाता हूँ मैं तो उसकी जरूरत ही नहीं जरूरत नहीं पड़ी हुई मिस कोई बात करें मैंने पुठे से जवाब दिए तो उसने हा, हा, आगे हंस पा, के उसने पाँच साल का वीज़ा ले लिया अल्लाह ने अब सिस्टम चला दिया है मेरे दोस्तों ये दिखा रहा है अल्लाह पाक सिर्फ हजरत पूरी करने के लिए दिखा रहा है कि देखो मैं मौलवियों से काम कराऊंगा दुनिया के भी ये अभी जो हमारे वो कराची में जो मुफ्ती मुफ्ती तारिक मसूद साहब का जो मदरसा है वह तारिक मसूर साहब मदरसा मदरसे के नाम से वो मशहूर हो गए तारिक मसूर साहब मशहूर हो गए मदरसे के नाम से मशहूर हो गए दारो क्या उनका नाम है जामतर्रशीद अब वो उन्होंने साथ यूनिवर्सिटी भी बना ली है वो साथ दुनिया की तलीम भी पढ़ा रहे हैं लोगों वो मुझे अभी अभी मुफ्ती रहीम साहब दामोद बरकात मुझे कह रहे थे कि हम अब सी एस एस कराएंगे अपने लड़कों को ताकि हमारे लड़के जाके बैठ तो मैंने कहा जी यही तो हम यही तो हमारे दिल में की आवाज़ थी कि मौलवी को क्या है ये सी एस एस क्यों नहीं करेगा मौलवी साहब सी एस एस करके जब बैठ के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन बनेंगे सेक्ट्री आरकाइव बनेंगे सेक्रेटरी पानी बिजली बनेंगे तो ये फैसले करेंगे इन ये हो रहा है मैं बता रहा हूँ आपको भाई जान सुन लो मेरी बात गौर से ये मौलवियों के हाथ में आने लगी है गेम फिर ना कहना बताया नहीं पहले ठीक सीधे हो जाओ अल्लाह का फजल है अल्लाह की मेहरबानी है तो मेरी बस नमाज का टाइम हो गया बात तो अल्लाह की बात तो इतनी है कि जितनी मर्ज़ी करी खरीदो ख़त्म नहीं हो सकती लेकिन टाइम खत्म हो जाता है हम ख़त्म हो जाएंगे अल्लाह की बात ख़त्म नहीं होगी वो अल्लाह ने क्या कहा कुरान में कि जितना सारी दुनिया के इंसान मिल के सारी दुनिया के फरिश्ते इकट्ठे हो जाएं इंसान इकट्ठे हो गए लिख के मेरी अजमत लिखनी शुरू करें सारी ज़मीन को कल जमीन को कागज़ बना लो दरतों को कलम बना लो समुद्रों को सही बना लो मेरी अजमत लिखनी शुरू करो कलम भी ख़त्म हो जाएंगे कागज़ भी ख़त्म हो जाएंगे बंदे भी ख़त्म हो जाएंगे तेरी रब की बड़ाई ख़त्म नहीं उसकी बात कहाँ ख़त्म हो सकती तो अल्लाह तबारक व वाल हमें बस तफीक दे अल्लाह हमें हिम्मत दे अल्लाह हमें अपना अपनी अज़मत हमारे दिल में डाल दे कि भाई अल्लाह बड़ा, अल्लाह का काम बड़ा, दीन बड़ा, बाकी सब छोटे बाकी सब छोटे ये अगर दिल में आ गई तो मसला हल हो जाएगा इन शहर अल्लाह मुझे भी इसकी तफीक दे आपको भी वह आखिर दावा